नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम जबलपुर के महारानी दुर्गावती संग्रहालय में मौजूद। ये डॉक्टर हीरा लाल राय कला वेदिका रानी दुर्गावती संग्रहालय है। महारानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो महारानी दुर्गावती गौड़ राजवंश की महारानी थी, जो जबलपुर राज्य में राज किया करती थी। इनसे जुड़ा हुआ ही जबलपुर शहर में मदन महल स्थित है, और साथ ही साथ इस संग्रहालय में उनके समय से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों के समय से जुड़ी हुई और उनके समकालीन विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की चीज़ें संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। अब हम अपने कैमरे के द्वारा इस जगह पर स्थित मूर्तियां और इस जगह पर स्थित महारानी दुर्गावती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिमाओं के साथ साथ उनके समकालीन चीज़ों के दर्शन आपको अपने कैमरे के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर संग्रहालय के भीतर जो कुछ प्रतिमाएं स्थित हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बोधिसत्व के 10वीं सदी की जबलपुर की ये प्रतिमा है, जो इस संग्रहालय परिसर के मुख्य भवन में स्थापित है। ये काफ़ी पुरानी प्रतिमा है, लगभग 1000 वर्ष से पुरानी हो चुकी है। उसके अगले हिस्से में ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो 10वीं सदी की है, तेवर जबलपुर की। ये प्रतिमा पूरी तरीके से खंडित है, जिसके धड़ का जो हिस्सा है, जो स्तर के ऊपर का हिस्सा है वो नहीं है, और साथ ही साथ निचले हिस्से का भी काफ़ी हिस्सा टूटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ विक्रय हेतु विभागीय प्रकाशन की पुस्तकें हैं, और यहाँ पर दो लाइब्रेरियाँ हैं, दो कह सकते हैं कि अलमारियाँ हैं, जिन ये पुस्तकें मौजूद हैं, यहाँ से विक्रय के लिए भी उपलब्ध है। मुख्य सभागार में, मुख्य भवन में जो तस्वीर दिखाई देती है वो गौड़ शासक संग्राम शाह के वीरपुत्र दलपत शाह को दुर्गावती अंतर्मन से पति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और अंततः दोनों उद्यान में मिल रहे हैं, उसकी तस्वीर है। इसके बाद राम बेरी द्वारा दलपत शाह का चित्र के निर्माण की यहाँ पर तस्वीर दी गई है, और दलपत शाह द्वारा दुर्गावती के हरण पृथ्वीराज संयोगिता की प्रेम गाथा से प्रेरणा प्राप्त करके दलपत शाह ने दुर्गावती का हरण किया और उनको सिंगौरगढ़ के किले में ले गए। उसके बाद आप विवाह की तस्वीर रानी दुर्गावती की यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात भी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई उनकी कुछ तस्वीरें हैं। वहीं इसके बगल में दलपत शाह के असामयिक निधन के बाद की एक तस्वीर है। रानी दुर्गावती के दाम्पत्य जीवन में सुख सूर अधिक वर्षों तक अलौकित नहीं रह सका और अस्वस्थता के कारण उनके पति असमय ही तिरोहित हो गए। कहते हैं कि दुर्गावती जी शक्ति की उपासक थी, वो प्रतिदिन भगवती के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करने के लिए जाती थी, जिससे जुड़ी हुई तस्वीर। कुछ और फोटो भी यहाँ पर हैं, जहाँ बालक के प्राण रक्षा से जुड़ी हुई एक फोटो है। सिंगौरगढ़ से गढ़ा आते समय बाढ़ग्रस्त हिरण नदी में महावत कपुत्र नदी में गिर गया था, उसके जीवन की रक्षा के लिए दुर्गावती स्वयं नदी पर कूद गई थी। तत्पश्चात एक और तस्वीर आप देखेंगे, जहाँ शेरों का शिकार करना रानी दुर्गावती का अतिप्रिय मनोरंजन था, और एक ही बार से शेर का संहार करने के लिए वो सुविख्यात थी, जिससे जुड़े ही एक यहाँ पर फोटो लगाई गई। वहीं इसकी अगली तस्वीर में घोड़बाने की स्वतंत्रता को प्रचलित करने हेतु मांडू के शासक बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, जिसका कड़ा मुकाबला दुर्गावती के द्वारा किया गया, उससे जुड़ी हुई ये प्रतिमा है। अगली तस्वीर में आप रानी दुर्गावती के विजय अभियान को देख सकते हैं, कि युद्ध में रानी दुर्गावती और सेनापति आधार सिंह सदैव ही स्वाधीनता रक्षार्थ मोर्चा लेते थे और रण कर कौशल का। वहीं इसी फोटो के बगल में एक और तस्वीर है, जो दुर्गावती क्षत्रियोचित उत्तर दिया और मुगल सम्राट अकबर को जवाब में सोने का पीजन भेजा। वहीं जो तस्वीर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं वो सिंगौरगढ़ के युद्ध की है, जहां विशाल सेना घुड़सवारों और तोपखानों के साथ आसफ खां घोड़बाने में प्रविष्ट हुए और सिंगौरगढ़ पर उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद आप स्खलित वसना की प्रतिमा देख पा रहे हैं, जो 12वीं सदी की प्रतिमा है। ऊपर की तरफ वीरांगना दुर्गावती जी के बलिदान का दृश्य है। निर्णायक युद्ध के दूसरे दिन आसफ खां ने तोपखानों की आड़ लेकर जब हमला किया तो आहत रानी दुर्गावती ने स्वयं को कटार मार करके प्राणोत्सर्ग कर दिया। वहीं नीचे भी कुछ प्रतिमाएं हैं, जो हम क्रमशः आपको दिखाते हुए चल रहे हैं।
यहीं पर शिला पट है रानी दुर्गावती संग्रहालय के शिलान्यास का, जिसका उद्घाटन द्वारका प्रसाद मिश्र जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। फोटोज देख सकते हैं जैसे संग्राम शाह द्वारा तांत्रिक वध, कि गोंडवाना राज्य के प्रतापी शासक संग्राम शाह भैरव को पुजारी थे और एक तांत्रिक ने उनके वध का षड्यंत्र रचा तो संग्राम शाह ने बाजना मठ गढ़ में उस तांत्रिक का ही वध करके षड्यंत्र को विफल कर दिया था। उस दौरान की ये तस्वीर है। उसके बाद मुगल सूबेदार आसफ रवा के अंततः सिंगारगढ़ पर कब्जा कर लेने में सफलता प्राप्त करने के बाद की ये तस्वीर है। वहीं दो और तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। दुर्गावती जी की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है प्रतीक स्वरूप। गजारूढ़, गज का मतलब होता है हाथी और हाथी पर सवार होने की वजह से ये गजारूढ़ प्रतिमा के नाम से यहाँ पर अंकित है। ये महारानी दुर्गावती का चित्र है। तस्वीर है जो घोड़े की एक तस्वीर है।